आईपीएल 2023 के लिए काल हुआ था मेन एक्शन, और मेन एक्शन में सभी खिलाड़ी बहुत ज्यादा पैच में बिकते हुए नजर आए थे। लेकिन दोस्तों आप सभी को इस वीडियो के तरह बताने वाले हैं कल जो कोचिंग में हुआ था एक्शन, मेन एक्शन हुआ था, किस खिलाड़ी के ऊपर करोड़ की वर्षा हुई और कौन कौन से ऐसी बड़ी खिलाड़ी थे जिसके ऊपर करोड़ की वर्षा हुआ था। तो आप लोग जानने के लिए इस वीडियो को पहले लाइक करिए और वीडियो को अंत तक जरूर बने रहेगा। तो सबसे पहले हम लोग देखें तो पहले जगह खिलाड़ी आए थे केन विलियमसन, और केन विलियमसन को 2 करोड़ बेस्ट प्राइस में गुजरात टाइटंस ने अपनी टीम में शामिल करते नजर आए थे। उसके बाद हम लोग देखें तो हैरी ब्रुक को 13.25 करोड़ में जो कि सनराइजर हैदराबाद अपनी टीम में शामिल करते नजर आए थे। उसके बाद आएंगे तो बड़ी खिलाड़ी जो कि आए थे दोस्तों श्याम करण को पंजाब किंग्स ने दोस्तों 18.50 लाख की जो कि 50 करोड़ की जो कि बहुत बड़ी रकम से खरीदारी करते नजर आए थे। उसके बाद बेन स्टोक्स भी बड़ी खिलाड़ी थे जिसको जो कि चेन्नई सुपर किंग्स ने अपनी टीम में शामिल किया। बेन स्टोक्स को चेन्नई सुपर किंग्स ने 16.25 करोड़ में अपनी टीम में शामिल किए थे। उसी के साथ साथ हमने देखें तो अजिंक्य रहाणे को चेन्नई सुपर किंग्स ने 50 लाख पर अपनी टीम में शामिल करते हुए नजर आए थे। जसन हॉडर को जो कि राजस्थान रॉयल्स ने 5.75 करोड़ की जो कि बहुत बड़ी रकम से खरीदारी करते हुए नजर आए थे। उसके बाद देखें तो आरसीबी के बड़ी खिलाड़ी थे दोस्तों विल जैक्स जिसको जो कि आरसीबी टीम ने जो कि 3.2 करोड़ की बहुत बड़ी महंगी प्राइस पर खरीदारी करते हुए नजर आए थे। उसके बाद हम लोग देखें तो पंजाब किंग्स तो आप लोग बोल चुके हैं जो कि श्याम करण बहुत बड़ी महंगा खिलाड़ी थे। उसके बाद हम लोग आएंगे तो गुजरात टाइटंस ने जो कि दोस्तों शिवम माबी को जो कि अपनी टीम में शामिल करते हुए नजर आए थे 6 करोड़ में जो कि बहुत बड़ी खिलाड़ी है। उसके बाद हम लोग देखें तो दोस्तों एलएससी लखनऊ सुपर जायंट्स की बात करते हैं, लखनऊ सुपर जायंट्स ने विकेट कीपर बल्लेबाज निकृष पुरन को अपनी टीम में शामिल करते हुए नजर आए थे 16 करोड़ की बहुत बड़ी रकम प्राइस पर। उसके बाद हम लोग आए तो भाई जो कि दिल्ली कैपिटल्स की बात करते हैं, दिल्ली कैपिटल्स ने मुकेश कुमार को 5.5 करोड़ में अपनी टीम में शामिल करते हुए नजर आए थे। उसके बाद आखिरी टीम के ऊपर आएंगे तो आखिरी टीम में दोस्तों जो कि केकेआर ने जो कि साकिब अल हसन को अपनी टीम में शामिल करते नजर आए थे बहुत बड़ी रकम से। तो गाइस ये तो था बहुत बड़े बड़े खिलाड़ी जो कि बहुत बड़े बड़े महंगा प्राइस पर जो कि खरीदारी होते नजर आए थे मिनी एक्शन में, जो कि कल कोची में इस मिनी एक्शन को आयोजित कराया गया था। और जो कि दोस्तों